अरे जुगनू, अरे काशिफ, तुम यहाँ कैसे यार, और हवेली से बाहर कैसे आई? मतलब जुगनू की भी कोई कदम रोक सकता है? किसी की हिम्मत है मेरे कदम रोकने की? कमाल है भाई, ऐसे अमीर दीन भाई को पता चल गया ना तो ऐसी डांट पड़ेगी ना कि तुम याद रखोगे। कोई डांट नहीं पड़ेगी, अभी ना घर में मुझसे बड़ा मसला आया हुआ है। क्या? तुम्हें मालूम है तलाल भाई वापस आ गए, बेबू तो उनको देख के फूट फूट के रोना शुरू हो गई, और जो भाभी माँ थी वो तो बिल्कुल हैरान हो गई उनको देख के। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि बेबो को पता है कि तलाल भाई आने वाले। वो मैंने बोल दिया, ये बात भूल जाओ, तुम ये बात गुड्डू को नहीं बताना, ठीक है? ये बात हमारे बीच की है, और किस बताओगे तुम? नीना गुड्डू, रुक रुक। हेलो। हाँ हाँ, बस चाय पी रहा हूँ। इतने सालों बाद बिना भाभी के हाथ की चाय पी, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। हाँ, काफी कुछ बदल गया है यहाँ पे, बस्ती, यहाँ के लोग, सारा मोहल्ला, सब कुछ बदल गया। पता नहीं मैंने ठीक भी किया यहाँ आकर या नहीं। गुड्डू, गुड्डू, एक मिनट रुको, मेरी बात तो सुनो, कहाँ भागे जा रहे हो? मुझे ना तुम लोग को समझ में नहीं आती है, घर के बाहर सबको सब कुछ पता है, लेकिन घर के अंदर हर फर्ज से हर बात छुपाई जाती है। अरे तुम मुझे क्यों गलत समझ रहे हो, मैं तो हमेशा सबसे पहले तुम्हें आके बताती हूँ, मगर तुम तो मुझे कोई वजह दो ही ना। गुड्डू,